आज विज्ञान और अध्यात्म के बारे में कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि विज्ञान किस लेवल पे है और अध्यात्म किस लेवल पे है। विज्ञान और अध्यात्म में वर्षों से युद्ध चला आ रहा है, पर यह युद्ध करता कौन है? यह युद्ध वही करते हैं जो न ही विज्ञान को समझ पाते हैं और न ही अध्यात्म को समझ पाते हैं। मेरा मानो तो विज्ञान या अध्यात्म का 1% भी अगर कोई जान जाए तो इन दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे कि विज्ञान और अध्यात्म का सिर्फ 1% जानने से सब कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको जरा प्रूफ करते हैं कि अगर विज्ञान को अगर आप समझते हैं तो फिर अध्यात्म को आप काट नहीं सकते हैं, यानी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, और अगर आप अध्यात्म को समझते हैं तो विज्ञान तो गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम इसका आकलन करते हैं और इसके बाद आप बताइएगा कि किस लेवल पे विज्ञान है इस समय और किस लेवल पे उसको पहुंचना है और अध्यात्म किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो मैं यहाँ विज्ञान की बात करूंगा। विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान हर समय हर चीज का प्रूफ मांगता है। तो अगर अब हम विज्ञान से विज्ञान होने का प्रूफ मांगे तो वो दे ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बात कर रहा है, ये ऐसा बात कर रहा है जो समझ में आने लायक है ही नहीं, तो उसका प्रूफ कैसा मांग रहा है जिसका न ही कोई सर है न ही कोई पैर है। विज्ञान का विज्ञान होने से प्रूफ मांगने का मतलब इंसान को इंसान का प्रूफ मांगना, यानी इंसान वो है तो वो इंसान है वो कैसे प्रूफ करना है। वो भी मान लो विज्ञान प्रूफ कर दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। लोग ऐसा क्वेश्चन उठा सकते हैं और मेरा मानो तो सच में ये बहुत बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। मान लो विज्ञान विज्ञान होने का प्रूफ देता भी है, पर सच मानो ये बहुत बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। पर यह उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म पे अध्यात्म होने का सवाल उठा देते हैं। आध्यात्मिक लोग से यह बोलते हैं कि चलो प्रूफ करो कि ईश्वर है हर जगह, भगवान है हर जगह। तो आध्यात्मिक लोगों के लिए ये वैसे ही बात हुआ जैसे नहीं उसका सर नहीं उसका पैर। ऐसा क्वेश्चन आध्यात्मिक लोगों के लिए बेफजूल का है। चलो आज हम विज्ञान के ही भाषा में इसको प्रूव करते हैं कि आध्यात्म क्या बोलता है। अगर सभी धर्मों की बात किया जाए तो सभी धर्मों को आकलन करके एक ही चीज बताया जाता है कि ईश्वर एक है और वो हर जगह निवास करता है। और हर धर्म में ये बताया गया है कि जो ईश्वर है वो बहुत ही पावरफुल है, यानी बहुत ही ऊर्जावान है वो। अब साइंस यहाँ क्या बोलता है? E=mc2। आइंस्टीन ने इसे खोजा था आई थिंक 1905 में। अब देख लेना कब खोजा गया है। तो अगर इस फॉर्मूला की बात किया जाए तो इसका सीधा सा अर्थ अगर हम लोग समझा जाए तो ये बोलता है कि हर चीज ऊर्जा है, यानी सब कुछ ऊर्जा है। और ये सही भी है, सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है, हर जगह ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है, या वो चलती हुई हो या ठहरी हुई हो या जो भी हो, हर चीज ऊर्जा है, ये साइंस बोलता है। तो अगर हर चीज ऊर्जा है तो हमारा सोच भी ऊर्जा है, यानी हम जो बोल रहे हैं वो भी ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। हम चल रहे हैं वो भी एनर्जी है, हमारा किसी को देखना वो भी एनर्जी है, महसूस करना वो भी एनर्जी है। यानी जब प्रूव हो चुका है हर कुछ एनर्जी है तो हमारा सोच भी एनर्जी हो गया, हमारी सोच भी ऊर्जा हो गई। तो आध्यात्मिक लोगों का सोच है कि भगवान हर जगह है, यानी भगवान कोई है, पहले हम इसको प्रूव करते भगवान है या नहीं, यानी वो उनका सोच है। ओके, अब इस सोच बराबर, अब चलो मैथ तो आप सब लोग पढ़े होंगे, तो मैथ के जरिए हम एक इक्वेशन हल करते हैं, एक समीकरण को देखते हैं। ऊर्जा बराबर एनर्जी बराबर हम एक्स मानते हैं। ओके, अब सोच बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, यानी एक्स के बराबर हो गया सोच। ठीक है, तो हमारा सोच क्या है? भगवान है, यानी भगवान एक्स के बराबर हो गए, यानी ऊर्जा के बराबर हो गए। अब साइंस क्या बोल रहा है कि हर जगह ये ऊर्जा अवेलेबल है, यानी जो एक्स है वो हर जगह अवेलेबल है। और आध्यात्म क्या बोल रहा है कि ये हर जगह ये भगवान अवेलेबल है, यानी हर जगह ये भी अवेलेबल है, हर अंग में, हर कंप्यूटर में, मोबाइल में, चलने में, बोलने में, सोचने में भगवान है। और ये भी यही चीज बोल रहा है साइंस भी कि एक ऊर्जा है जो हर जगह है। अगर हम ऊर्जा को भगवान माने या भगवान को ऊर्जा माने तो फिर यहाँ पे कोई भी युद्ध का भाव नहीं आएगा, क्योंकि सब बराबर हो गया। फिर अब इस फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो जितना भी कुछ हमारे आध्यात्म में लिखा हुआ है वो हर चीज सही हो जाता है, यानी मंत्र, शक्तियां और जितनी भी ग्रंथ में चीजें लिखी गई हैं सब सही हैं। अब बात करते हैं कि जो विज्ञान खोजता है वो क्या खोजता है। कभी भी आप सुनेंगे कि जब लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं उनको रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाता है। ये रिसर्च वर्ड क्यों लगाया गया है? कभी क्यों नहीं लगाया गया कि सर्च करने भेजा जा रहा है? आप हमेशा देखेंगे रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है।
अच्छा ये तो एक नॉर्मल सी बातें हो गई। आप कभी भी देखिए अभी भी चीज तक जितना भी विज्ञान खोज के रखा है यानी जितना भी आपके सामने अभी विज्ञान प्रस्तुत करता है उसमें से कोई भी चीज नया हो तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये नया है जो कि अध्यात्म में नहीं लिखा गया है। अध्यात्म में कई वर्षों पहले इस चीज को खोज के रख दिया गया है। कोई भी चीज आप उठा लीजिए उसका प्रमाण हमारे अध्यात्म में पहले से ही दिया गया है। तो अध्यात्म में जो पहले से ही प्रमाण दिया गया है उसी को साइंस खोजता है और फिर हम उसको मान लेते हैं। तो जो और प्रमाण है जिसको साइंस नहीं मानता है उसको क्यों नहीं हम लोग मान सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल से भी थ्योरी देखा जाए ऊर्जा वाली बात किया जाए तो फिर हर चीज जो भी लोग बोलता है वो ऊर्जा पे ही है। अगर आप शक्तियों की बात करें, चलो हम मंत्र विद्या की बात करते हैं। मंत्र विद्या में क्या है कि उसमें ये बताया जाता है कि आप इस मंत्र को इतनी बार करो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएंगी। यानी सबसे पहले ऊर्जा की बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब योगा करने की बात अगर हम लोग देखा जाए तो योगा में जो कुंडली है उसको बहुत लोग नहीं मानते हैं। योगा को मानते हैं लेकिन कुंडलिनी शक्ति को नहीं मानते हैं। अगर उसकी बात किया जाए तो वो क्या है, वो एक ऊर्जा है। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात किया जाए और जो लोग नहीं मानते हैं सबकॉन्शियस माइंड या जो भी मन को भी लोग बहुत लोग नहीं मानते, कहते कि मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो ये सब तो ऊर्जा ही हुआ ना, हमारी सोच ही हुआ। अब ये जब सोच ही हमारा ऊर्जा है तो हम अपने सोच को इतना ताकतवर बना दे यानी अपने सोच वाली ऊर्जा को इतना ज्यादा ताकतवर बना दे कि हम जो सोचे वो हमारे सामने आ जाए। यही तो फॉर्मूला है पूरे तंत्र विद्या पूरे आध्यात्म का कि उनका सोच इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है वो जो भी माध्यम हो, पूजा से, मंत्र से, योग से, सिद्धि से, कुछ भी ऐसा करते हैं जिसका उनका सोच इतना ताकतवर हो जाता है जिनकी वजह से वो उनके पास उतनी पावर आ जाती है। अब वो पावर आ जाएगी तो वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे सिद्ध हो गई। अब इसको प्रैक्टिकल कुछ लोग करते होंगे कुछ लोग नहीं करते होंगे, पर थ्योरेटिकल तो ये प्रूव हो गया ना कि अगर हमारे पास इतनी ऊर्जा आ जाए तो हम हर काम कर सकते हैं। अब उस ऊर्जा को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ही अध्यात्म में कई ढेर सारे चीजें बताई गई हैं। अब उसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है। कुछ लोग मनगढ़ंत भी लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा करना है, ऐसे करने से ये हो जाएगा। तो वो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। आप किसी भी चीज को नकार नहीं सकते कि नहीं ये चीज नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यात्म किस लेवल पे अभी है और साइंस को कहाँ पहुँचना है। यानी अध्यात्म भगवान तक की बात कर दिया, यानी भगवान को ऊर्जावान तो बोलता ही है अभी। यानी जो अध्यात्म है अगर नॉर्मल से आप अगर सोचेंगे तो अध्यात्म क्या बोलता है कि भगवान को ही है, भगवान बहुत ऊर्जावान है। और अभी साइंस कहाँ पे है, अभी साइंस ऊर्जा पे है यानी ऊर्जा तक ही पहुंचा है, यानी ऊर्जा के बाद भगवान है। हो सकता है कभी प्रूव हो जाए इस चीज को। तो देखो ये सबका अपना अपना मत है, अपना अपना सोच है। अगर आपका सोच है कि भगवान नहीं है तो ये आपका ही ऊर्जा है तो फिर नहीं भी होंगे। ये तो बिलीफ सिस्टम पे काम करता है ये सब चीजें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपका क्या सुझाव है आप जरूर हमें बताएं। आपका क्या राय है कि साइंस क्या बोलता है, अध्यात्म क्या बोलता है, इन दोनों में क्या फर्क है वो हमें जरूर बताएंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और यार अगर ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दो। अगर जिसको इस चीज में कंफ्यूजन है अध्यात्म और विज्ञान में तो जरूर ये शेयर करो उन्हें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो और जाओ दूसरा वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।